नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, यूसर्क लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे मध्य मौजूद हैं हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर संजय कुमार पंत, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर, और आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर एक विशेष सीरीज का के अंतर्गत विभिन्न व्याख्यानों का आयोजन शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर पंत जी से अनुरोध करूंगा कि सर वो तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में हल्की जानकारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपने अपने स्कूल में भी पढ़ी हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं याद करिए, डीमोस थ्योरम आपने की हुई थी, आयलर्स का फॉर्मूला आपने किया हुआ था। इस लेक्चर में जो पहला लेक्चर है इसमें मैं आपको कुछ बातें आपको याद दिलाऊंगा जो शायद आप जानते होंगे, और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातों की हम बात करेंगे। याद रखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो टॉपिक है ये टॉपिक एनालिसिस का टॉपिक तो है, साथ में इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ज्यामिति एंगल से भी इसको देखना बहुत जरूरी है। तो हम दोनों चीजों के सापेक्ष इसमें बातें करेंगे। पहले हम बात स्टार्ट करते हैं, हम जिस नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं हम उस पर बात शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप कॉम्प्लेक्स नंबर से आप सभी अपने आपने स्कूल में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिनको आप इस तरह से दिखाते थे। याद करिए, यदि आपको हल्का सा याद आ रहा हो, इसकी जरूरत कहां पर आई थी, जब आपने बीजगणित में या एलजेब्रा में इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने की कोशिश की थी। क्या प्रॉब्लम आई थी याद करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब आप एक्स की वो वैल्यू चाहते हैं जिनका स्क्वायर माइनस वन हो जाए। रियल नंबर, यदि एक्स को आप रियल नंबर लेते थे तो ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर वन माइनस वन हो जाए। इसका मतलब आपने जो टेंथ क्लास तक या इलेवेंथ क्लास तक जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है उसके पहले की क्लास तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखा था, पर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको नहीं आता था। आप कहते थे कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली आपके पास वो नया सिस्टम ही नहीं था। तो इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर माइनस वन होता है वो वास्तविक रियल नंबर तो होंगे नहीं, वास्तविक संख्याएं तो है ही नहीं। इसका मतलब वो वास्तविक संख्याओं के अलावा कुछ है। और आश्चर्यचकित बात यह है कि इस छोटी सी बात ने एक बहुत बड़े सिस्टम को जन्म दे दिया जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो हम कहते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसी के नोटेशन को लिखा गया i से, ए स्मॉल i से, जिसको आप इमेजिनरी स्मॉल i इमेजिनरी की i से बना हुआ है। और ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, ये वास्तविक नहीं है। सो ये मेरा पहला ये पहली चीज थी जिसको आपने नोटेशन डेवलप किया जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है,
इसमें वास्तविक संख्याओं के रूल भी नहीं रहेंगे स्क्वायर रूट वाले, याद रखिए। और इस नोटेशन को, इस नोटेशन ने सारी चीज ही बदल के रख दी, और इसी नोटेशन को आपने यहां यूज किया है, याद करिए। ये जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखते हैं तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, जहां एक्स क्या है, एक्स और वाई दोनों क्या है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर्स हैं। और आप क्या कहते थे, इस तरह के नंबर्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते थे, जिसमें एक्स आई एक्स के साथ में आई नहीं है और एक दूसरा वाई के साथ में आई है। तो आपने नाम दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट बनाए थे आपने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट कौन से हो गए, एक पार्ट को आप कहते थे रियल जेड जो एक्स था, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, और दूसरा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल होते हैं, रियल जेड और इमेजिनरी जेड दोनों ही रियल नंबर होते हैं, पर इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसलिए कहा क्योंकि ये आई के साथ आया है और इसकी वैल्यू आई। तो आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किए थे उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे आपके स्कूल में जो आपने पढ़े, पहला था रियल पार्ट, दूसरा था इमेजिनरी पार्ट, और लिखने का ये तरीका था। और याद रखें ये प्लस केवल सिंबल है इस नंबर को दिखाने का, इस प्लस का मतलब एडिशन कहना गलत होगा क्योंकि ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी के साथ आया है, अभी हमने इसको ऐड करना सीखा नहीं। सो ये नोटेशन का हमने यूज किया था। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इस नोटेशन का एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज था इस नोटेशन का, यदि इस नोटेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्लेन में, याद करिए आपके प्लेन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया था, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई को इस फॉर्म में भी कर सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डिनोट, जहां पर पहला कोऑर्डिनेट रियल पार्ट ऑफ जेड है, दूसरा कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। और इस ये कोऑर्डिनेट जब मैंने डेवलप किए तो मैं सीधे के सीधा सीधा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रांसफर हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन पर। अब ना इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम रियल कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि याद करिए ये एक्स आई के साथ एसोसिएटेड नहीं था, ये वाई आई के साथ एसोसिएटेड था। कैसे बताएंगे कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं ना कि रियल नंबर में कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्स एक्सिस को, याद करिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस होती थी ओरिएंटल एक्सिस, मैंने इसका नाम रख दिया रियल एक्सिस, और इसका नाम रख दिया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं परफेक्ट, ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, केवल मैंने नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंज किया है। रियल एक्सिस मींस इसके अलावा मैंने सारे रियल नंबर्स, रियल पार्ट को डिनोट किया है, और इसके अलावा मैंने इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया है। सो नेचुरली यदि एक्स वाई यहां बैठा हुआ है मेरा, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, ये वाला पार्ट मेरा एक्स है और ये वाला पार्ट मेरा, इसके अलोंग रियल पार्ट है, इसके अलोंग इमेजिनरी पार्ट है। ये हाइट भी वाई होगी और ये लेंथ जो है ये भी क्या होगी, एक्स। तो मेरा यही रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन मेरा नंबर्स का था, वो रिप्रेजेंटेशन अब मेरा ज्योमेट्रिकल हो गया। इसको आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। याद करिए ये भी नया नहीं है, ये भी आपने स्कूल में पढ़ा हुआ था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पहला, ये पहला रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। इसको देखने के बाद में आपको याद आया होगा
कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के रूप में भी देख सकता हूं। ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है मेरा। यदि मैं इसको इनिशियल लाइन, इस रियल एक्सिस के इस पार्ट को इनिशियल लाइन मान लूं, और एक्स वाई को इससे ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट था किसी पॉइंट का, थर्ड इंटरप्रिटेशन में ये वेक्टर भी बन गया। इसको आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो थर्ड रिप्रेजेंटेशन मेरा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। या वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की इससे भी अच्छा एक नाम है जिससे आप परिचित हैं शायद, ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। याद करिए आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन क्यों कहा था इसे। ये मेरी इनिशियल लाइन है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर इस इनिशियल लाइन से एंगल बनाता है, वो एंगल यदि थीटा है तो याद करिए, यदि ये एंगल थीटा है, ये आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए ये लेंथ जो है, ये लेंथ देखिए यहां से, ये लेंथ मान लीजिए आर है, इस वेक्टर की लेंथ आर है, आर इज लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर जेड। तो आपको अच्छे से पता है कि मैं x को क्या लिख सकता हूं, x को लिखा जा सकता है r cos थीटा, y को लिखा जा सकता है r sin थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ सिंपल सा, ये एंगल थीटा है, ये x है, ये r है, इसका मतलब x upon r cos थीटा हो गया, इसका मतलब x equal to r cos थीटा हो गया, और ये y है, y upon r sin थीटा हुआ, इसका मतलब y इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखिए यही पॉइंट आपका z था जब केवल नंबर्स के फॉर्म में लिखा था, यही पॉइंट, यही z नंबर पॉइंट बन गया जब मैंने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा, और यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट को मैं r थीटा पोलर कोऑर्डिनेट कहूंगा। ये नंबर है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके दो फैक्टर हैं आर और थीटा। आर जहां पर क्या है, वेयर, आर क्या है, आर लेंथ है, तो आर क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से याद करिए, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर ये लेंथ हो गई। इसको हम कहते हैं, इसको लिखने का, ये आर लेंथ है उस वेक्टर की जेड की, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, और इसको डिनोट करते हैं मॉड जेड से, इसको मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं। लेंथ एज ए वेक्टर की तरह देखा जाए तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या लेंथ है। थीटा को क्या कहेंगे, थीटा को जनरली कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसको अभी भूल जाइए, इसको थोड़ा सा भूल जाइए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को, जरा पोलर पे वापस आइए। हल्की सी प्रॉब्लम आएगी आपके पास में, क्या प्रॉब्लम होगी मैं बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या होगी। ये थीटा जो एंगल ये है, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है आपका, इस वेक्टर को 360 डिग्री से घुमाइए, आप फिर से यही पहुंच जाएंगे, फिर अगर एक दूसरा रिवॉल्यूशन लीजिए फिर यही पहुंच जाएंगे, फिर लीजिए फिर यही पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये थीटा जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है,
यदि मैं इस थीटा की जगह क्या कर दूं, इस थीटा की जगह थीटा प्लस टू पाई कर दूं, तब भी मुझे यही वेक्टर मिलेगा। थीटा की जगह थीटा प्लस फोर पाई कर दूं, तब भी मुझे यही वेक्टर मिलेगा। थीटा की जगह थीटा प्लस सिक्स पाई कर दूं, तब भी मुझे यही वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब ये आर्गुमेंट जो दिया था, ये लेंथ तो फिक्स है, लेंथ यूनिक है, इस पॉइंट के लिए लेंथ बिल्कुल यूनिक है। आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक ही वेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेंथ नहीं मिलेगी, पर ये आर्गुमेंट जो है ये यूनिक नहीं रहा। तो इसके यूनिकनेस को कैसे, इसके यूनिक ये आर्गुमेंट जो है, जिसको मैंने आर्गुमेंट जो कहा था, इट शुड बी नोटेड दैट थीटा एसोसिएटेड विथ जेड इज नॉट वेल डिफाइंड इन द सेंस दैट एनी एंगल थीटा प्लस टू के पाई वेयर के इज एनी इंटीजर कैन वर्क फॉर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं कई एंगल यूज कर सकता हूं इस तरह से। यदि मुझे एक बार थीटा पता चल जाए तो थीटा प्लस टू पाई भी काम चल जाएगा, थीटा प्लस थ्री पाई भी काम करेगा, थीटा माइनस टू पाई भी काम करेगा। थीटा माइनस टू पाई का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा चक्कर ले लीजिए। तो यूनिकनेस नहीं बची, इसका मतलब आपके पास डाउट बचा रहेगा। मैंने बोला पोलर कोऑर्डिनेट लिखो, तो एक लड़के ने लिखा आर थीटा, दूसरे लिखा नहीं सर मैं आर थीटा लिखा, तो मैं आर कॉमा थीटा प्लस टू पाई लिखूंगा, वो भी सही है। तीसरे लिखा आर प्लस थीटा माइनस टू पाई, वो भी सही है, पर रिप्रेजेंटेशन तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। इसकी यूनिकनेस को कैसे प्रिजर्व रखें, यही चीज थी जो मैं आपके साथ में रिवाइज करना चाह रहा था। तो हम इस यूनिकनेस को कैसे वापस लाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको इस यूनिकनेस को कैसे वापस लाएंगे, इफ argument of a complex number z is fixed between 0 and 2 pi or अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ऑथर आते हैं, इसे लिखते हैं जीरो या टू पाई के बीच में, और बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन टू पाई, और argument of z less than equal to pi and greater than minus pi। तो दोनों नोटेशन फॉलो करते हैं। यदि इनके बीच में फिक्स कर दूं मैं आर्गुमेंट को, तो अब आर्गुमेंट यूनिक हो गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यदि आर्गुमेंट इनके बीच में फिक्स कर दिया जाए तो वो यूनिक होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अब वो बात नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। और ऐसे आर्गुमेंट को This argument is called principal argument। इस argument को हम principal argument कहते हैं। तो आप question पूछेंगे सर कैसे fit करें, हम इस argument को इसके बीच में कैसे fit करें। तो इसका मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, सिंपल सा तरीका है जो आप शायद जानते भी होंगे।
ये तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके स्कूल की बातों में, स्कूल में आपको आपके टीचर्स ने बताई होंगी बातें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट लेते हैं जो फिक्स है यूनिक होगा। अब हर नंबर के लिए यदि मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं तो हर नंबर के लिए आर तो पहले यूनिक था ही, अब ये जेड भी आर्गुमेंट भी यूनिक हो जाएगा। याद रखिए जीरो पॉइंट का आर्गुमेंट हम डिफाइन नहीं मानते हैं, जीरो पॉइंट का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं मानते हैं, इसका मतलब जीरो पॉइंट के लिए थीटा कुछ भी हो सकता है, आर जीरो होगा, ये याद रखिएगा। आइए हम कैसे फिट करेंगे आर्गुमेंट को, याद करिए आपके ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती थी, टेन थीटा इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स। यहां देखिए फिगर को देखिए, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x हो गया, इसी को आपने थीटा कहा था। और आपने कहा था इस थीटा की वैल्यू तो कई हो सकती है, या आपने कहा था इस थीटा की वैल्यू कई हो सकती है, तो मैं इस थीटा की वैल्यू क्या ले रहा हूं, जो टेन थीटा की वैल्यू ली है मैंने, ये y अपॉन x लिखा है मैंने ना, इसका मॉड ले लिया। इसका मॉड लेने का मतलब होता है मैंने इसकी इस क्वांटिटी को, यदि क्वांटिटी y अपॉन x नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव थी तो कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिया, ये थीटा लिया मैंने, ये थीटा। यदि आपका फर्स्ट केस देखिए, यहां पर फिर से फिगर को देखिए थोड़ा हल्का सा, यही फिगर की मैं कॉपी कर रहा हूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बिलोंग्स टू पार्ट वन, आपको पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या तो यहां होगा, यहां नहीं होगा तो यहां होगा, यहां नहीं होगा तो यहां होगा, ना ही हो तो यहां होगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बिलोंग कर रहा है उस केस में वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे, और उस केस में आपका जो थीटा होगा ये आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड को केवल थीटा लिखेंगे। सेकेंड पार्ट पे आइए, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, यहां पर है, इसका मतलब x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या करेंगे, yes, इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा तो हमने तो थीटा ही तो मॉड लिया है, मॉड थीटा लिया है, इसका मतलब उसका पार्ट तो यहां आया, इसका मतलब क्या हो गया, z belongs to part two, उस केस में आपका आर्गुमेंट जेड होगा पाई माइनस थीटा, और यदि आपका जेड बिलोंग करता है पार्ट थर्ड, इस केस में आपका आर्गुमेंट जेड होगा थीटा माइनस पाई। मैंने ये वाला नोटेशन मैंने इसके लिए लिया है, ये देखिए आर्गुमेंट इसके बीच में होगा, मैंने ये वाला नोटेशन फॉलो किया है। और फोर्थ वाला, यदि z belongs to part 4 देन मेरा आर्गुमेंट z होगा माइनस थीटा, सिंपल है, सिंपल है। और इन तीनों चारों केसों को देख लीजिए, चारों केस आप देखेंगे माइनस पाई और पाई के बीच में होंगे। पाई कब होगा, जब आपके रियल नंबर, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तब ये पाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यदि रियल पार्ट जीरो हो गया तो याद करिए आर्गुमेंट, वैसे देखा जाए यदि रियल पार्ट जीरो हो गया, रियल पार्ट जीरो हो जाए मतलब एक्स जीरो हो जाए तो आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, तो इस एक्सिस पर अप्लाई करने वाले पॉइंट का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा इस सेंस में, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, y अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। पर याद रखिए थीटा मुझे पता है क्या होगा, पाई अपॉन टू लिखा हुआ है, ये पाई अपॉन टू है, यहां माइनस पाई अपॉन टू है, तो यदि पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो
तो आर्गुमेंट जीरो है। यदि पॉइंट यहां लाई कर रहा है, यस, यदि यहां लाई कर रहा है, यदि यहां पर लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो गया, माइनस पाई। यदि यहां लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो गया, पाई अपॉन टू। यहां लाई कर रहा है तो माइनस पाई अपॉन टू। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, सारे आर्गुमेंट्स आपके पास आ गए। सो मैंने इसको यहां लिख दिया है, पर आपको पता होना चाहिए जब मैंने पाई कहा है, याद करिए जरा सा, पाई कहा है तो ये ऑलरेडी पाई में आ गया, तो इसीलिए मैंने यहां पर ना ये कि मैं इस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पाई मेरा ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो इसलिए मैंने माइनस पाई छोड़ दिया था। इसी तरह से यदि मैं जीरो मेरा आ चुका है, इसीलिए मैंने टू पाई को छोड़ दिया, क्योंकि टू पाई और जीरो सेम चीज होते हैं, तो इसलिए मैंने इनइक्वालिटी इस फॉर्म में लिखी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इनइक्वालिटी मैंने इस फॉर्म में लिखी। तो आप या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों को लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सो अब मेरा आर्गुमेंट वेल डिफाइंड है, तो जब भी मैं पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरा आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहा है। पर जब भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, याद रखिए ये बात ना, ये बातें आपको स्कूल में बहुत बताई गई कि आप ये लीजिए वो लीजिए, जब मुझे किसी नंबर को वेल डिफाइन करना पड़ता है तब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेता हूं। अदरवाइज यदि आप मुझे आर्गुमेंट भी देंगे तब भी मैं अपना सारा काम कर लूंगा, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी एनालिसिस करते समय, उस पर्टिकुलर केसेस को छोड़कर। सो मैंने आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के इतने तरीके बता दिए जो आपने अभी देखे, और ये आप पहले, ये हमारा ये रिविजन चैप्टर चल रहा है, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें जो मैं यूज करूंगा उनके बारे में आपको पहले से बता दे रहा हूं। अभी आपने कुछ देर पहले मुझे क्या बताया, याद करिए, आपने जो मॉडुलस कहा था इसको आपने ऐसे दिखाया था, जहां पर z इक्वल टू क्या था, x+iy, इसको आपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा था। इस मॉडुलस के बारे में आप और क्या कह सकते हैं, तो इस मॉडल, ये लेंथ तो है, मॉडुलस लेंथ है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या उसी चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर है इस बात से, क्या क्लियर है, मॉड जेड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो लेंथ या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, और जीरो कब होगी, मॉड जेड जीरो कब होगा, याद देखिए जरा सा ध्यान से, ये जीरो तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो कब होगा, जब दोनों टर्म अलग अलग जीरो हो, दोनों टर्म अलग अलग जीरो कब होंगे, जब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो हो, इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो तो तभी होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो, वाई इक्वल टू जीरो हो, इसका मतलब जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, जीरो, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा जीरो हो, और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिविटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में एसोसिएटेड एक चीज और याद दिला दूं आपको, मैं याद करिए, हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री पर ध्यान दीजिए अच्छी तरह से बार बार। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, तो ये पूरा चैप्टर में आपको, ये पूरा लेक्चर जो पहला लेक्चर है, ये मेरा रिवीजन पर टिका लेक्चर है, तो याद रखिएगा मैं हर बात आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आपने अपने स्कूल में क्या किया था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं इस रियल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करूं, ये यहां पर एक्स वाई था, रियल पार्ट एक्स, इमेजिनरी पार्ट वाई, यहां याद करिए क्या होगा, y यहां तक पॉजिटिव होता है और y यहां नेगेटिव हो जाता है, x तो दोनों जगह पर क्या होगा, ये x है, ये y है, ये कितना हो जाएगा, ये y यदि यहां पॉजिटिव था तो y अब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x माइनस y हो गया। इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या था, इसका रिफ्लेक्शन आ गया x माइनस i, इन दोनों को, सब ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको हम जेड बार से दिखाएंगे, और इसका नया नाम है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो
कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय जेड बार एंड डिफाइंड एज जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। यदि कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स प्लस आई माइनस वाई, मतलब यदि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है उसके इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव कर दीजिए तो आपको हमेशा कॉन्जुगेट मिल जाएगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ज्योमेट्रिकली देखें तो ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रिफ्लेक्शन होता है रियल एक्सिस के अराउंड। पर मेरा इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा इस बात पर है, किस बात पर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इस बात पर है कि और क्या रिलेशन है इसका मॉड जेड के साथ में। जो ध्यान से देखिए, जरा काम करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, क्या रिमाइंड कराऊं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सीखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया था याद करिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू इक्वल टू जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, डब्ल्यू इक्वल टू सी प्लस आई डी। हमने मल्टीप्लाई कैसे डिफाइन किया था याद करो, हाँ सबको पता है मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया था हमने। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे किया था, पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आई को बाहर छोड़ दिया जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये याद रखते हुए आई क्या था, मान लीजिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट माइनस वन था तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन स्क्वायर रूट फट जाएगा। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये काम किया, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर हुआ, लिख लेते हैं और ये हो गया बी डी। तो देखिए क्या मिला आपको, ए सी प्लस आई बाहर निकल गया, ए डी प्लस बी सी आई स्क्वायर माइनस बी डी, क्या मिल गया आपको, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। ये मल्टीप्लीकेशन था हमारा रूल, सिंपल सा रूल। एडिशन तो और भी सिंपल है, एडिशन क्यों सिंपल है, एडिशन में तो क्या करते हैं, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए ए प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दीजिए। ये दो चीजें हमने बड़े आराम से सीखी हैं। अब मैं डिवीजन ही बताऊंगा, अभी डिवीजन की बात करेंगे। चलो यहां आइए वापस, पहले क्या देखा हमने, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा, सोचिए जेड क्या था, यस जेड बार क्या था, मल्टीप्लीकेशन सीख चुके हैं हम, सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं, एक्स एक्स को एक्स एस को वाई को इससे और फिर y को y से और i को i से, i को i से कहा तो i स्क्वायर और माइनस हो गया, i स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस वन हो गया तो प्लस y स्क्वायर। ये और ये देखिए क्या मिला, अरे ये तो हमने कहीं देखा है, कहां देखा है वापस जाइए, ये देखा है हमने, कहां देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है और इसका नाम क्या था, मॉड जेड। तो इसका मतलब ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब आपने एक नया रूल सीख लिया, कॉन्जुगेट का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का उसके मॉडुलस से क्या रिलेशन है,
मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं जेड जेड बार. आदत ये बनाइए लिखने की आपकी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आदत बनाइए अपनी. स्क्वायर रूट और दोनों चीज सेम होती है 1/2 लिखिए पर ये आदत ज्यादा अच्छी है. सो हमने देखा कि मॉड जेड को हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं. अब फिर से आपने जरा वापस आइए फिर से मैं एक इनएक्युरेटी बता दूं बहुत जरूरी है. इस मॉड जेड के साथ एसोसिएटेड दो इनएक्युरेटीज बहुत जरूरी है. मॉड जेड के साथ में एसोसिएटेड दो इनएक्युरेटीज बहुत जरूरी है. कैसी? टू इनएक्युरेटीज इट इज एसोसिएटेड विथ मॉडुलस. मॉडुलस से एसोसिएटेड दो इनइक्वालिटीज क्या क्या जरूरी क्या इनइक्वालिटीज है देखिए. जैसा पहले को कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी है यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस डब्ल्यू है इनका मॉड है. घबराइए नहीं बिल्कुल. उसका नाम ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों पड़ा बहुत सिंपल सा रीजन है. याद करिए इनिशियल लाइन है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है मैकेनिक्स का फिजिक्स का सब बच्चे बच्चे को याद है. z प्लस w क्या होगा ये देखिए ये w है ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है. ये वेक्टर और ये वेक्टर ही पैरेलल है ये आया z प्लस w. तो ये z है ये z है यहां तक w वेक्टर था ये z प्लस w हो गया. और आपको सीधे पता ट्राइंगल बन गया. मॉड z प्लस w क्या होता है इसकी लेंथ. मॉड z क्या होता है इसकी लेंथ. मॉड w क्या होता है इसकी लेंथ. और आपको होता है ट्राइंगल में दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा बड़ा या बराबर होता है. यही लिखा होता है दो साइड की लेंथ का सम बड़ा या बराबर है तीसरी साइड की लेंथ से. इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी. और यह बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है. मैंने आपसे ऊपर दो इनइक्वालिटी बोली है इसी की एक दूसरी इनइक्वालिटी काउंटर पार्ट भी इनइक्वालिटी है. वो कैसी है मैं आपको बताता हूं किस तरह से समझिए कैसे आती है. वो इंपॉर्टेंट है मुझे वो ट्रिक बताना इंपॉर्टेंट है कैसे आती है. आप ऐसे लिखिए जरा सा मॉड जेड. मॉड जेड को आप लिख सकते हैं ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं इसको आप एक नंबर मान लीजिए ये दूसरा नंबर है. इस पर एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई है इसकी जगह पर मैंने ये लिखा है इसकी जगह पर मैंने ये लिखा है. ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई है तो क्या मिला बोलिए क्या मिला लेस देन इक्वल टू इसका मतलब मुझे क्या मिला. अब जो बात नोट करने लायक है यहां देखिए कौन सी बात नोट करने लायक है जो मैंने अभी बताई नहीं. मॉड जेड हमेशा बराबर होगा मॉड माइनस जेड के. आप वेरीफाई कर सकते हैं कैसे वेरीफाई कर सकते हैं जेड क्या होगा माइनस जेड क्या होगा मॉड जेड क्या होगा माइनस मॉड जेड क्या होगा. देखिए जरा इस तरह से Yes, ये तो वही है mod z. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए mod z इक्वल टू माइनस mod z होता है. इसका मतलब ये मैंने आपको mod माइनस w लिखा है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं
मॉड डब्ल्यू से. इसका मतलब मेरे पास ये मिल गया मॉड जेड लेस देन इक्वल टू हो गया लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस डब्ल्यू प्लस इसकी जगह ये लिख सकते हैं मॉड डब्ल्यू. इसका मतलब मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू हो गया मॉड जेड प्लस डब्ल्यू. अब जेड और डब्ल्यू की जेड और डब्ल्यू का रोल बदल दीजिए. ये तो किसी भी जेड और किसी भी डब्ल्यू के लिए सही था. इनका रोल बदल दीजिए जेड की जगह डब्ल्यू और डब्ल्यू की जगह जेड लिख दीजिए. आपको अच्छे से पता है याद करिए. आइए यहां पर यहां आइए. ये डब्ल्यू वेक्टर था. ये देखिए ये वेक्टर डब्ल्यू था ये वेक्टर जेड था. डब्ल्यू प्लस जेड ये वाला वेक्टर होगा फिर से. तो जेड प्लस डब्ल्यू वेक्टर और डब्ल्यू प्लस जेड वेक्टर दोनों सेम होते हैं. दोनों सेम होते हैं. इसका मतलब डब्ल्यू प्लस जेड को भी आप क्या लिख सकते हैं जेड प्लस डब्ल्यू. इसका मतलब क्या देखा आपने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी इनइक्वालिटी. इंपॉर्टेंट बात ये देखी आपने. क्या इंपॉर्टेंट बात देखी? यस इंपॉर्टेंट बात ये देखी मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू होता है मॉड जेड प्लस डब्ल्यू और मॉड जेड माइनस माइनस मॉड डब्ल्यू ये दूसरा वाला दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू होता है जेड प्लस डब्ल्यू. इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बड़े आराम के साथ में क्या कह सकते हैं मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है जेड प्लस डब्ल्यू. ये आपने जेड प्लस डब्ल्यू लिखा आप जेड प्लस डब्ल्यू और आप जेड माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इस माइनस डब्ल्यू को यहां ले आइए डब्ल्यू को उधर ले जाइए आपको इनइक्विटी उसके लिए मिल जाएगी. तो एक नई इनइक्विटी मिल गई आपको. देखिए आपके पास में नई इनइक्विटी आपके पास मौजूद है. ये दो इनइक्विटी काफी इंपॉर्टेंट इनइक्विटीज हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम सीख रहे हैं जो मैं आपको रिमाइंड करा दूं क्योंकि आप इसका यूज करूंगा मैं तो मैं बस लास्ट में चलते चलते आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन बताएं. किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है w मैं आई वाई ना लिख के क्या लिखूं ज्यादा अच्छा होगा a प्लस आई बी है और w इक्वल टू सी प्लस आई डी है. z अपॉन w का मतलब क्या होगा? यदि w नॉट इक्वल टू जीरो है. w नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है या तो c जीरो नहीं है या d जीरो नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? डिवीजन कैसे करें? डिवीजन करने का बड़ा सुंदर सा तरीका है. z a प्लस आई बी है w c प्लस आई डी है a प्लस आई बी c प्लस आई डी ऊपर नीचे दोनों तरफ c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए माने इस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या मिलेगा बताइए? इसको इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मैंने तरीका बताया था आपको. z को z बार से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा. ये रियल नंबर है सिंपल सा. ये रियल नंबर है इसका मतलब ये ए सी हुआ माइनस आई बी सी हुआ माइनस आई बी सी हुआ माइनस आई ए डी हुआ प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी हुआ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. क्या हो गया ये ए सी माइनस आई स्क्वायर मीन्स कितना हो गया माइनस वन माइनस टू ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस प्लस आई माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद में फिर से मुझे नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया. ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है.
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट कर देना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड ये यही इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। जब भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो कॉन्जुगेशन से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम अपने अगले वाले, अब मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बता दी हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हम अगली बार इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरह से हम इसको आते हैं।